नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, आज हम मैथ में आपको आज बताएंगे गुणनखंड। तो देखो, गुणनखंड की कुछ निम्नलिखित विधियाँ हैं। सबसे पहले विधि है आपकी सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में आपको एक बहुपद दे रखा होगा, बहुपद में से आप कॉमन ढूंढते हैं, उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो शेष बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको दे रखा है एक्स क्यू माइनस के 3x2। तो इसमें देखो, यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे 3x2 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो दोनों में से कॉमन आपका आ गया x2। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से घात 2 जाएगी तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस के आपके यहाँ पर 3 बचेंगे, तो इसका हो गया आंसर। यानी इसमें कॉमन क्या आया, दोनों में से x2 आया। ठीक है, तो ये आपकी सर्वनिष्ठ विधि है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको दे रखा है पहला, दूसरा देखिए, ये रखा है आपको ए क्यू बी सी प्लस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू। अब तीनों में ए बी सी लिखा है, पर यहाँ पे ए की घात 3 है, यहाँ पे बी की घात 3 है, यहाँ पे सी की घात 3 है। ठीक है, तो हम इसमें से अधिक से अधिक ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया। अगर थर्ड देखिए, इसका थर्ड में आपका है ए बी एक्स प्लस के वाई प्लस बी एक्स एक्स प्लस के वाई। अब दोनों में देखो, एक्स प्लस के वाई और एक्स प्लस के वाई लिखा है, और इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो आपने बी एक्स प्लस के वाई कॉमन ले लिया, बचा गया आपका ए प्लस के एक्स, हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा तरीका है आपका, उसमें आप फॉर्मूले पर आधारित गुणनखंड है, तो फॉर्मूले पर आधारित गुणनखंड है, फॉर्मूला आप गुणनखंड में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला उपयोग कर सकते हैं, ये होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल में है आपका इसमें 9a² माइनस के b², तो इसको हम ले लेते हैं 3a² माइनस b² तो देखो, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो a² माइनस के b² a की अप हो गया आपका 3 है और b की अप हो गया आपका ओनली b, तो क्या है a माइनस के बी और a प्लस के बी, तो जाएगा 3a माइनस के बी और 3a प्लस के, ये इसका आंसर हो गया। इसका और देखिए, सेकंड है इसका 81 a q माइनस के ए। अब देखो, यहाँ पे घात 3 है, हमने फॉर्मूले में घात 2 बताई थी और यहाँ पे एक घात है, तो इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 81 a² माइनस के 1। ठीक है, तो रहेंगे ए 81 का आप कह सकते हैं 9a² माइनस 1² अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपका a² माइनस के बी स्क्वायर है, तो जो है ए जो है 9a माइनस के 1 और 9a प्लस के 1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कुछ सवाल आपकी नोटबुक में दे रखे हैं, इसको करके आप देखें।